फिर से मेरा एक नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कुछ दिन के बाद आप लोग को मैंने सुनाड़ा शिप टेम्पल का ब्लॉग दिया था और आज आप लोग को देने वाला हूँ जो सुनाड़ा का टाउनशिप। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है, पीछे दिख रहा है वो सुनाड़ा का कहाँ साइज स्पोर्ट्स हॉस्टल, जो इधर विलर के लोग को जो स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते पीछे जो TNDI है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और अब हम चलेंगे टाउनशिप में, तो चले सकते। अभी यहाँ से हमारा एंट्री होता है। तो सुकोई का सुताटी इंजन डिवीजन जहाँ होता है, इंजन का जो चल रहा है वहीं पे जाने का रोड है ये सुकोई सुताटी में। और यहाँ से स्टेट जाए तो हमारा ओल्ड फैक्ट्री जाने का रोड है। तो चलिए देखते हैं ओल्ड फैक्ट्री। और यहाँ से हमारा होता है ओल्ड फैक्ट्री में जाने का रोड। थोड़ा और आगे बाकी है जाने का, लेकिन तो बस यही है जो अच्छा लॉल फैक्ट्री में जाने का रोड। यहाँ से जो हमारा एंट्री होता है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ है यहाँ जाने के लिए मना है, तो यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन आपको गेट तक आप लोग को दिखाई दिया यहाँ, तो जो इधर एम्प्लॉयड काम करते हैं उन लोगों को भी यहाँ से जाने के लिए फ़ोन लेने के लिए अलाउड नहीं है। जाने के लिए अलाउड है लेकिन फ़ोन लेने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन ये गेट में नहीं पकड़ते, और आगे वाला मेन गेट आता ना वहाँ पे रोक लेते हैं आपको। हिंदुस्तान लिमिटेड इंजन डिवीजन कोरापुट।
और खूबसूरत पार्क में जाने वाले हैं हम, कहाँ जो डियर पार्क बोलते हैं, जो वहाँ पे डियर्स बोलते क्या है हरिन, वहीं मैं आप लोग को अभी ले जाने वाला हूँ। वहीं पे आप लोग को जो कुछ डियर्स को देखने को बहुत अच्छा लगेगा। शायद अब बारिश का मौसम है तो गेट के पास आए होंगे कि नहीं, वहाँ भी अंदर जाने का लोग नहीं, गेट के बाहर से देखना पड़ेगा। भाई हम लोग आ गए जो डियर पार्क में, तो देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा जाके। मैं बुला रहा हूँ लोगों को, हाय डियर, कम ऐसा तो वो डियर है, थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करता हूँ। ये है कितना क्यूट से यार, हाय डियर्स, कम उन लोगों के लिए मैंने घास लाना भूल गया, नहीं तो घास लाते तो बहुत पास आते। ये हे, ये छोटा बच्चा बहुत सारे अंदर देखने को, बहुत सारे बहुत सारे हैं यहाँ पे, बच्चे भी बड़े भी है, बूढ़े बाप सब कुछ है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं HL हॉस्पिटल के तरफ, ओल्ड फैक्ट्री के थोड़ा कुछ आगे ही हॉस्पिटल है, और यहाँ कुछ चाय नाश्ता के लिए कुछ शॉप्स है। ये है HL हॉस्पिटल। और यहाँ से हम जाएंगे आगे बस स्टैंड तरफ, यहाँ पे कुछ हम लोग को ज़्यादा कुछ दिख रहा होगा। ये HL एम्प्लॉयज का क्वार्टर है, यहाँ पे रहने के लिए HL एम्प्लॉय का फैसिलिटी दिया गया है, क्वार्टर दिया गया है यहाँ, तो उसका फैमिली के साथ यहाँ से ले लेंगे।
इसी आ गया जो बस स्टैंड का गलक, यही है बस स्टैंड। और कुछ गलत दिया है, खूबसूरत दिख रहा है जो किया आर्द वाला, और यहाँ पे लिखा हुआ है HL। वहाँ से आगे जाएंगे तो पीछे उसके तरफ एक रोड है, वहाँ से जाएंगे तो आपको जो राजू बिड़ाई होके निकलेंगे सिमडूड़ा जाने के लिए नोनपुर रोड में, और हम थोड़ा बस स्टैंड घूम के आते हैं। ठीक है, तो कैसी आ गया हमारा मार्केट जिसे बोलते हैं सेंट्रल मार्केट। यहाँ पे जो टाउनशिप का लोग होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा जो सब्जी वगैरह कुछ भी हो शॉपिंग कर लेते हैं। सुनाड़ा टाउनशिप पुलिस पांडी से एक निकलेंगे। ये है सुनाड़ा टाउनशिप का पुलिस पांडी। रोहतरा में जो एक ब्लॉग बनाया था ना जो मीना बाजार का, यहीं पर हुआ था, और यहाँ बहुत सारे भीड़ थे। और ये सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पे भीड़ लगा था जो बावड़ा है रोहतरा में, आप लोग इसका ब्लॉग देखे ही होंगे। और ये है सोनाडा का कल्याण मंडप, उसका पीछे बंजो मंडप, बंजो मंडप का भी कुछ दिखा देते कुछ झलक। ठीक है, उसका पास एक उत्कल सिनेमा हॉल है जो यहाँ के एम्प्लॉय के लिए खास करके बना हुआ है, लेकिन आप भी जाकर चाहे तो देख सकते हैं। ये है चर्च स्टेडियम गेट जहाँ दिख रहे हो, ये है बंजो मंडप। ठीक है, अंदर चलते हैं बंजो मंडप के अंदर। तो जो भी टाउनशिप में घूमने आते हैं जो दूर से, वो इसका घूमने का मकसद यही होता है, मकसद का मतलब यही थोड़ा आने के बाद फोटो वोटो और कुछ खिंचवाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जो फाइटर जेट का कुछ लगा हुआ है डब्बा शाह, ये है ऑडिटोरियम मंजो मंडप का, और यहाँ पे जिम लगा हुआ है। The
और यही है सुनाड़ा फिल्म हॉल जो उत्कल नाम से नामित है। यहाँ पे ज़्यादातर ओडिया मूवी ज़्यादा आता है। यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है, जन्म भीतरे साथी एक सिद्धांत महापात्रा का एक फिल्म लगा हुआ है यहाँ पे। और आगे जाएंगे यहाँ पे एक बहुत जो यहाँ में जो एम्प्लॉय काम करते हैं जेल में उसका बच्चा ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ते हैं BSC विद्यालय। ये BSC विद्यालय ये प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल ही है ये। यहाँ LKG 2 5th क्लास तक यहाँ पे पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे। वेटिंग शेड BSC विद्यालय चल सुनाड़ा। और ये है जो बड़ा बच्चे पढ़ने आते हैं जो +2 वाले, उसका यहाँ पे NCC भी अवेलेबल है और स्काउट भी है, दोनों भी है BSC विद्यालय। बहुत शानदार देखने को, बाहर से देखने को बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। आगे BSC विद्यालय है जो मिडिल वाले इधर पढ़ते हैं, मिडिल वाले जो 6th से 8th तक। उसके साथ साथ आप लोग को टाउन सिटी के अंदर कॉलेज भी देखने को मिलेगा। SC कॉलेज बोलते हैं सोटपोर्ट में, लेकिन इसका नाम है एरोनॉटिक्स कॉलेज। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छा होता है यहाँ की पढ़ाई। लगा हुआ है एरोनॉटिक्स कॉलेज, इसका एंट्री गेट है। अब हम यहाँ से ज़्यादा होते हैं आप एग्जिट होते हैं बाहर जो NH26 रोड पर जाके निकलते हैं, तो
गाइस, हम पूरा टाउनशिप घूम के आए हैं और यह है इजिट गेट। यहाँ से हम लोग इजिट हो गए और यह है एक छोटा सा पार्क। ठीक है, यहाँ पे आके हम पहुँचे और यह देख सकते हैं, यह है जो NH-26। तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली ब्लॉग में। सारे चरका टाउन से पूरा घूम के आया, आप लोगों को दिखाया। सो ये मेरा तो बहुत अच्छे ब्लॉग होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे पूरा सिक्योर थोड़ा टाइट था, इसलिए थोड़ा वहाँ पे कुछ जाम लगा था। और आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।